आप देख लो बीसी के चैप्टर 3 में क्या क्या क्वेश्चन तो करना ही करना। मैंने हर कंपनी से देखा, बेटा आई सॉ अ स्पेसिफिक पैटर्न, जिस कंपनी में से जो पूछा जाता है ना वही बार बार पूछा जाता, उनके कुछ पेटेंट क्वेश्चन विल आस्क यू द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन टाइम एंड अगेन, राइट। तो बीसी के चैप्टर 3 में से क्या क्या आता है देखो, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 70। जब हमने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हेडिंग था कंपनी ओवरव्यू। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन अ कंपनी ओवरव्यू, ये जून 23 का क्वेश्चन है बेटा। क्या विजन पढ़ा है, कितना विजन अपन ने याद किया था नहीं। क्या कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, फोर्ब्स की रैंकिंग और फॉर्च्यून की रैंकिंग। क्या हमने मार्केट पोजिशन देखी थी, क्या हमने पेड अप कैपिटल पढ़ा था, तो इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करते, पेड अप कैपिटल को अपन इंक्लूड नहीं करते। अच्छा ना भी पढ़ो तो ये आप क्वेश्चन नंबर 69 तो बता ही दो, सेव मनी लिव बेटर किसका स्लोगन है, तो किसका स्लोगन है, वॉलमार्ट का स्लोगन है। तो क्वेश्चन का लेवल वॉज डैम इजी मैंने देखा। अब इसमें क्या आता है देखो बच्चा, सबसे पहला आता है कंपनी ओवरव्यू में क्या नहीं पढ़ते हो, आई शोड यू द क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन अभी तक आया। उसके अलावा बेटा फाइनेंशियल एनालिस्ट का हमेशा दूसरा नाम पूछेंगे, ठीक है। ऐसे तो इसको बहुत सारे नाम है, इसके चार नाम होते थे, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रेटिंग एनालिस्ट। लेकिन ऑप्शंस में दो बार आ चुका है और दोनों बार क्या आता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट। एग्जाम में एक बार आया है और एक बार अभी मॉक टेस्ट पेपर में सेम क्वेश्चन आया था। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का दूसरा नाम क्या है, सिक्योरिटी एनालिस्ट। फिर मैनेजमेंट एनालिस्ट क्या करता है ये पूछा जाता, तो किसी भी वो मैनेज करना बता रहा है, क्यों, जैसे कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ा पाए। तो इन चारों को देख लेना कि बजट एनालिस्ट का काम क्या होता है। तो बजट एनालिस्ट क्या होता है कि दे प्रिपेयर द बजट फॉर यू, ये आया नहीं है लेकिन एक बार देख के जाना, दे प्रिपेयर द बजट फॉर यू एंड डेवलप द फोरकास्ट फॉर यू। इसमें इंपॉर्टेंट ये था टू कीप द फाइनेंसेस ऑन ट्रैक, क्या बोलेंगे, दे हेल्प यू कीप योर फाइनेंसेस ऑन ट्रैक, कहीं ऐसा नहीं हो कि ज्यादा बर्बाद कर दिया एक जगह। वो आपको ठीक से बताएंगे कि कैसे अलोकेशन करना है रिसोर्सेस का, कौन से प्रोडक्ट लाइन में कितना पैसा डालो, ठीक है। फिर बेटा फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बताता है, लेकिन आज तक केवल उसका दूसरा नाम पूछा गया है। मैनेजमेंट एनालिस्ट यही पूछा जाता है। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट आपको पूरा रिसर्च करके देगी वो फर्म, आपको बताएगी कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसका पैकेजिंग कैसे हो, कौन सी कीमत रखो, है ना, आपकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है, वो सब कुछ आपको मार्केट सिनेरियो रिसर्च करके बताएगी। तो वो फर्म क्या है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। लेकिन जो मैंने येलो से हाईलाइट किया वही आज तक आया, राइट बेटा। इस सेक्शन में से सो फार नथिंग हैज बीन आस्क्ड, नथिंग हैज बीन आस्क्ड। एडवेंट ऑफ स्टार्टअप एक ही प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है जो अभी तक नहीं पूछा गया है, वो पूछेगा व्हाट इज अ यूनिकॉर्न, ठीक है। क्या पूछेगा, व्हाट इज अ यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसका वर्थ नेटवर्थ कितना हो गया है, 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा। उसका वैल्यूएशन अगर 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा हो गया, दैट इज अ यूनिकॉर्न, ठीक है। अब बेटा इफ यू स्पीक ऑफ अडानी पोर्ट्स, उसमें आज तक एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका CFO बता दो बेटा। ये इसमें भी पूछ रहा है और एशियन पेंट्स में भी पूछ रहा है, इन दोनों का CFO देख के जाओगे, बाकी किसी का CFO नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन है, मुत्तुकुमारन दुरईस्वामी, ठीक है, मुत्तुकुमारन दुरईस्वामी। बेटा दूसरा अगर पूछेगा तो मुंद्रा पोर्ट पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा, मुंद्रा पोर्ट पूछेगा, ओके। तो दिस इज द लार्जेस्ट SEZ, क्या पूछेगा, लार्जेस्ट SEZ। तो बेटा सेलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस तो अच्छे से कर सकते हो ना, ये जो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं ये वाला सेक्शन आप एग्जाम के पहले देख के जाना। पिछले बार में भी मैंने ऐसे बताया था, एंड आपको जान के अच्छा लगेगा सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे, है ना। ऑल द क्वेश्चंस केम डाउन व्हाट फ्रॉम व्हाट वी स्टार्टेड इन द रिवीजन, ठीक है। तो
और जो बहुत एक्सपेक्टेड लग रहे हैं वो भी बता रही हूँ, जो आ चुके हैं। मैंने पूरा मॉड्यूल स्कैन कर लिया, मैंने पूरा स्कैनर स्कैन कर लिया, और फिर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क करवाऊंगी। तो आप क्या देख के जाओगे, इस कंपनी का CFO, और इम्पोर्टेंट देखोगे तो इनकॉर्पोरेशन ईयर भी देख के चले जाना, 1998। कब है बेटा? 1998। और सबसे बड़ा SEZ तो क्या बोलोगे? मुंदड़ा पोर्ट। ठीक है, बस इतने ही देख के जाना, ये क्वेश्चन के लिस्ट बना लो, उसको रिवाइज करके चले जाना। अब हम आते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में यह पूछा जाता, आपको याद है मुंबई में चार दोस्त थे, गैराज से पेंट कंपनी स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से पढ़ते थे हम, है ना। तो 1942 इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई। बाकी अडानी का क्या था? APSEZ का गुजराती भाई, अहमदाबादी हो सकता है, राइट। तो एशियन पेंट्स में क्या क्या प्रोबेबल है, आया दो ही है। एक उसका यह पूछा है 1942, शायद May 22 में पूछा था ये, एंड उसका CFO वापस पूछते हैं, RJ Jeyamurugan। ठीक है, RJ Jeyamurugan 1942 का ईयर, यू डोंट हैव टू फॉरगेट, मुंबई उसका हेडक्वार्टर्स, राइट बेटा। अभी तक यही आया है। एक्सिस बैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आया, बस ऑप्शंस में आ जाएगा इसमें से कौन से इंडियन बैंक है, कौन से मल्टीनेशनल बैंक है। तो एक्सिस बैंक सीम्स टू बी द लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम MD CEO देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर बैंकों का MD CEO पूछ रहे हैं। तो अमिताभ चौधरी को हम देख के चले जाते हैं कि कौन है अमिताभ चौधरी। और ये आपको याद है ना, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि फर्स्ट पे कौन सी है? HDFC है, सेकेंड पे ICICI, थर्ड लार्जेस्ट कौन सी है? एक्सिस बैंक। ठीक है, इसमें मेहनत बहुत करवाई थी लेकिन पूछा कुछ भी नहीं गया। आपको याद है बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अलॉन्ग विथ वॉट UTI प्लस 6 इंश्योरेंस कंपनीज थी ना, और एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? UTI बैंक। एक्सिस बैंक का पुराना नाम था UTI बैंक। 2007 से, है ना, 2007 से इसका नाम पड़ा था, हाँ एक्सिस बैंक पड़ा था 2007। ओके, फिर बेटा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर्स भी देख लो, पुणे। चेयरमैन पूछा जा रहा है, बेचारे को मुक्ति नहीं दे रहे, ये भगवान को प्यारे हो चुके हैं कब से। लेकिन इस बार जो अमेंडमेंट आया उसमें भी राहुल बजाजी लिख के आया हुआ। बेटा फर्स्ट टाइम जो मैंने चार्ट्स भेजे थे ना वो करेक्ट थे, आज मैंने देखा जो अगली बार जो मैंने भेजे थे ना वो 2021 के रैंक्स है, तो मैं आपको रीसेंड कर दूंगी। जो सारे अमेंडमेंट्स है दैट दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द चार्ट्स। राहुल बजाज के बदले नीरव बजाज आ चुके हैं, है ना, नीरव बजाज आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो राहुल बजाज ही बोल रहे हैं। तो बेचारियों को फिर से देख के चले जाना, शायद एक नंबर अपने को कमा के दे दे ना? फिर बेटा क्या आता है इसकी, ये आता है इसका विजन आता है। हमने इसका कीवर्ड याद किया था कि जब भी वैल्यू एडिशन बोले, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू बजाज ग्रुप। पूरा पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट केवल एक कंपनी के लिए बोला है, सारी कंपनीज मिला के। ठीक है, तो ये क्या है? बजाज ग्रुप। ओके, अगर वो मिशन भी पूछेगा तो उसमें वैल्यू बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बोला है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अब यहां देखो बेटा, ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बजाज। तो आप देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट, उसमें आया था क्वेश्चन में अवेंजर था, डोमिनर था, CT 100 था और स्प्लेंडर था। तो कौन सा नहीं है? तो स्प्लेंडर नहीं। तो प्रोडक्ट्स एक बार अच्छे से देख के चले जाना। मोटरसाइकिल का तो पूछ चुका है, क्या पता थ्री व्हीलर पूछ ले, थ्री व्हीलर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आर ही जरूर लिखेगा वो। ठीक है, और अभी अभी कार बनाना स्टार्ट किया है, बोले ऑटो और कार के बीच का प्रोडक्ट है वो, तो बजाज क्यूट के नाम से इसमें भी RE6। ठीक है बच्चों, तो दीज क्वेश्चंस वे आस्क, लेकिन आप ये देख के जाना कि किसने बनाया था। तो जमनालाल बजाज ने बनाया था इसको। ठीक है, क्योंकि फाउंडर्स अक्सर पूछते हैं, पूछा नहीं गया है, माइट बी आस्क। जमनालाल बजाज 1940s में, पुणे में इस फर्म का फॉर्मेशन हुआ 1945 में, 1960 में वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया था, 1959 में इसको लाइसेंस मिला था। जमनालाल बजाज राजस्थान का,
पहले वो इंपोर्ट करके बेचता था, फिर उसको लाइसेंस मिला, फिर उसने खुद से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी 1960 से, ठीक है। और इसके एडवर्टीजमेंट को भी वर्ल्ड फेवरेट इंडियन को अवार्ड मिला था ना, बेस्ट एडवर्टीजमेंट करके, ये सब नहीं आया। अब भारती एयरटेल, भारती एयरटेल का फेवरेट क्वेश्चन, हंगर टू विन द कस्टमर फॉर लाइफ, इसका विजन और मिशन दोनों आता, ठीक है। हंगर टू विन द कस्टमर फॉर लाइफ, इसके विजन और मिशन दोनों में, लेकिन विजन में कुछ एक्स्ट्रा है, टू एनरिच द लाइफ ऑफ कस्टमर। और देखो ऑब्सेशन टू विन द कस्टमर फॉर लाइफ भी है ही। ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजन एंड मिशन, नहीं दिस इज द विजन एंड मिशन ऑफ विच फॉर्म, तो उसमें आया था टू एनरिच द लाइफ ऑफ कस्टमर एंड द हंगर टू विन द कस्टमर फॉर लाइफ, ये किसका विजन मिशन है, ये भारतीय एयरटेल का। बाय एनी चांस आपको याद है इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, न्यू दिल्ली, और ओनर तो मालूम ही होगा, सुनील भारती मित्तल ना? सुनील भारती मित्तल। और हमारे मॉड्यूल के अनुसार ये हमारे देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है, नॉट आज सो फार, ठीक है। ये बना कब था, 1995 में, जब हमारे देश में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, उसके पहले इंटरनेट ही नहीं आया था। और सुनील भारती मित्तल, और बेटा हेडक्वार्टर्स देख लेना न्यू दिल्ली, ठीक है। इतना तो बहुत आसानी से कर सकते ना, जितना मैं मार्किंग करवा रही हूं। उसके बाद में आपकी शिद्दत, आप जितना कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। फिर देखो बीपीसीएल, तो बीपीसीएल का भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, उसका हेडक्वार्टर्स बता दो, तो उसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, मुंबई में। फिर उसकी कितनी रिफाइनरीज थी, कहां कहां, मुंबई, एक मुंबई में था, एक कोची में था, एक बीना में था, और एक नुमालीगढ़, ठीक है। तो रिफाइनरी के नाम पूछता है, प्लेसेस पूछता है कि कहां कहां है, और बेटा इसका वो पूछता है विजन या मिशन पूछता है। विजन टू बी अ मॉडल कॉर्पोरेट एंटिटी, आपको याद आ रहा है 150 विलेजेस जहां पे पानी की एक बूंद नहीं थी, तो उसने प्रोजेक्ट बूंद चलाया था, और दूसरा 10 लाख बच्चों को वो फ्री में एजुकेशन देता था, तो हमने बोला था इससे बेहतर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन निभा सकता है। तो जैसी बोला मॉडल, मतलब जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट बीपीसीएल, ओके। तो उसका हेडक्वार्टर्स वो, और उसकी रिफाइनरी, okay? अब आया सिप्ला, सिप्ला का तो वन फेवरेट क्वेश्चन, केयरिंग फॉर लाइफ, इसके आगे तो बढ़ते ही नहीं, लेकिन प्रोबेबल क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर, हो सके तो फाउंडर्स देख के जाना। तो वाई के हमीद, नहीं सॉरी, वाई के हमीद थोड़ी ना था, ख्वाजा, अपने ख्वाजा, मेरे ख्वाजा बोला था, तो ख्वाजा अब्दुल हमीद, ये बना था 1935 में, ठीक है, द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड द फार्मास्यूटिकल लैब्स। अभी जो उनका बेटा है वाई के हमीद, ही इज वर्किंग एज द चेयरमैन, ठीक है। मुंबई तो याद होगा, सिप्ला, मुंबई देख लो, लेकिन जो आज तक पूछा गया है वो क्योरिंग फॉर लाइफ, वन सिंगल क्वेश्चन शायद आस्क्ड 7-8 times, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, कोल इंडिया लिमिटेड, आपके मॉक टेस्ट में भी यही आया था, जून 23 में भी यही आया था, कि उसका इनकॉर्पोरेशन ईयर बता दो, तो 1975। जरा सोच के बताओ, हमारे सिलेबस की तीन कंपनियों का सेम स्टार्टिंग ईयर था, कोल इंडिया लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा बोलो एनटीपीसी। तो माइक्रोसॉफ्ट, एनटीपीसी एंड कोल इंडिया, इनका साथ में जन्म हुआ है, कब हुआ है, 1975। फिर बेटा ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी, क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टेट कंट्रोल कंपनी, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये दो क्वेश्चन आए केवल, ठीक है। इसमें से ये भी आ सकता है, ये भी देख लो, दिस इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी, तो महारत्ना स्टेटस देख लो, 2011 में मिला था, ठीक है। महारत्ना स्टेटस कब मिला था, 2011। और वो आपको ध्यान आ रहा है क्या, कि क्यों हमने कोल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया था, दो रीजंस थे,
एक तो फ्यूल बहुत महंगा था, तो कब तक इम्पोर्ट करते, तो हमें कुछ अपना सब्स्टिट्यूशन करना था, और दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता था, तो उसने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया था, ठीक है। लेकिन आया है केवल ये दो, विजन मिशन ज्यादा रट्टा नहीं मारना, माइन टू मार्केट मतलब एक्सट्रैक्शन कर रहा है तो कोल के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और मिशन में भी कोल बोल दिया है, तो जिसमें कोल बोल दिया ऑफकोर्स कोल CIL ही होगा। सब्सिडरी हमने याद किए थे, याद है, सदर्न कोल फील्ड, फिर क्या था साउथ ईस्टर्न, फिर था ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, तो ही तो अलग थे, एक था भारत कोकिंग और अगला वाला था महानदी कोल फील्ड, आ जाए तो नॉट टू वरी, और एक एट था जो एक्सट्रैक्शन नहीं करता था, प्लानिंग करता था, सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये सब आया नहीं है, ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑल, ओके। फिर आता है डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेन कंपनी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, वो सब में आपको दिखेगा डॉक्टर रेड्डीज, ये तो बेचारे को भाव ही नहीं मिला अभी तक, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया तो 1984 में दो कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक था डॉक्टर रेड्डीज, दूसरा क्या था बोलो जल्दी, गेल, गेल और डॉक्टर रेड्डीज साथ में स्टार्ट हुआ है 1984, हैदराबाद की है, कॉमन सेंस से तो बता ही देंगे कि हैदराबाद की है, डॉक्टर रेड्डीज बोल रहा है, राज बड़ा कर। तो अगर आएगा ना ऐसा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिकेशन कंपनी, तो डॉक्टर रेड्डीज, मैंने देखा है भले ही चैप्टर खतरु है, पूछते इतना सिंपल है जैसे फोकट का नंबर देने की कोशिश करो, जो बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते वो तो कैसे करेंगे, पढ़ के जाना जरूरी है क्योंकि इससे स्कोर बहुत बढ़ जाता, इतना सिंपल पूछते। पता है जून 23 में 5 तो स्लोगन पूछा था, कोल इंडिया का स्टार्टिंग ये पूछा था, और हंगर टू, और एक और कोई पूछा था, बाकी 5 का पूछा था स्लोगन, टेस्ले, वॉलमार्ट, हंगर टू विन द कस्टमर फॉर लाइफ, सिप्ला का, और अभी भी मॉक टेस्ट में यही सब पूछ रहे वो लोग, है ना, यही पूछेंगे वो। फिर बेटा आता है फ्लिपकार्ट, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आया था इसमें से कौन सी लेटेस्ट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, द मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो लेटेस्ट में फ्लिपकार्ट ही आ रही, शायद इसके बाद का कोई और नहीं है ना, तो 2007 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो दोस्तों ने किया था, कौन थे, सचिन बंसल और बिनी बंसल, बाय एनी चांस इसका मिशन बता सकते हो, बिकम द अमेजॉन ऑफ इंडिया, ये आया नहीं है, ठीक है, उसका ऑन द कंट्रारी वो पूछा था, अच्छा विजन था ये वाला ना, टू बिकम द अमेजॉन ऑफ इंडिया, उसका मिशन पूछा था, डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस, छोटा छोटा होगा तो आ सकता है, टू प्रोवाइड डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस, वो आया था 2007, और फिर बेटा देखो इसका हेडक्वार्टर पूछते हैं, तो यू मस्ट नो बेटा कि लीगल डोमिसाइल और हेडक्वार्टर सेम होता, तो उसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो सिंगापुर बोलना, बांगलुरु मत बोल देना, बांगलुरु इज द ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था सिंगापुर में, टैक्स की छूट मिलती है वहां पे बनने से, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट सेम होता है, यस माधव, ओके। फिर अगला देखो बेटा, सचिन बंसल बिनी बंसल ये सब नहीं आया, यही पूछा था मिशन, तो प्रोवाइडिंग डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस आया है, लेकिन विजन इज, इट कैन बी आस्क्ड, वेरी मच प्रोबेबल, ठीक है, आई होप आप ठीक से जॉट डाउन कर रहे हो, ये सब तो आपको मालूम है ना, उसने मिंत्रा, जबोंग, ये सब का टेक ओवर किया था, फोन पे का टेक ओवर किया था। बेटा अब आते गेल में, देखो गेल का भी स्टार्टिंग एड क्या 1984, और तो पूछा नहीं क्या, गेल का दो फेवरेट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क, द कंट्रीज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क, और दूसरा उसका आता है सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स उसका 13 था ना, वो नहीं पूछा जाता, लेकिन उसका सब्सिडरी केवल 3 है, बोलो कौन सा,
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड सबसे ज्यादा पूछेगा, और गेल गैस लिमिटेड, और तीसरा गेल सिंगापुर करके, गेल ग्लोबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन पूछा जाता है। गेल गैस लिमिटेड इसमें कंफ्यूज करेंगे कुछ भी वर्ड चेंज करके। सबसे ज्यादा पूछा गया ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड और फिर गेल ग्लोबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। तो गेल में हमने बोला दो दो क्वेश्चंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का ईयर में, सेम ईयर में जन्म हुआ था, वो कौन सा वाला ईयर था, 1994। ठीक है, लेकिन आया नहीं है। चेयरमैन पूछा जाता है, तो चेयरमैन चेंज हो गया, अतानु चक्रवर्ती, क्या नाम है, अतानु चक्रवर्ती। ठीक है बेटा। अच्छा, चार्ट में अमेंडमेंट्स एक बार गो थ्रू कर लेना, ऑल दो मैंने चेक करके देखा डाला हुआ है। ये पूछा जाता है पेजैप किसका प्रोडक्ट है, तो इसमें तीन क्वेश्चन आए, एक उसका चेयरमैन, उस समय कोई दूसरा था, फिर पेजैप पूछा जाता है और इसका स्लोगन, इसका स्लोगन मिशन टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल विच इज आस्क्ड। आईसीआईसीआई एमडी सीईओ संदीप बख्शी, पहले चंदा कोचर थी, ऑप्शन में चंदा कोचर का जरूर नाम दे दें, वो हट गई कब से, बेचारे कोर्ट के चक्कर काट रही है। संदीप बख्शी मैनेजिंग डायरेक्टर भी और सीईओ सेम है। ठीक है, दिस इज आस्क्ड। फिर इसका विजन मिशन पूछा जाता है, विजन मिशन तो बहुत लंबा चौड़ा था, नहीं तो टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर। बेटा देखो, एक्सिस बैंक बोलता है टू बी द प्रेफर्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अगर प्रेफर्ड बोलेगा तो एक्सिस बैंक, लीडिंग प्रोवाइडर बोलेगा तो आईसीआई, लेकिन लीडिंग प्रोवाइडर अमेरिकन एक्सप्रेस भी बोलता है, लेकिन वो इंडिया नहीं बोलेगा। अगर इंडिया बोला और लीडिंग प्रोवाइडर बोला तो आईसीआईसीआई, और अगर पूरा उसमें शायद वर्ल्ड बोला हुआ है तो क्या बोलना है, दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस। अब इसमें फास्टैग पूछा जाता है, वो जो गाड़ियों का टोल काटा में अपने आप कट जाता है ना, तो ये किसने स्टार्ट किया था, आईसीआईसीआई। इसने सबसे पहले 2 मिलियन फास्टैग्स इशू किए थे, हाईएस्ट इन इंडिया। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इसका एमडीसीओ, दूसरा इसका विजन और तीसरा फास्टैग। ठीक है, इंडियन ऑयल में दो क्वेश्चन, इंडेन एलपीजी किसका ब्रांड है, पहले क्या पूछेगा, इंडेन एलपीजी किसका है, और दूसरा पूछा जाता है इसका सब्सिडरी। इसमें पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ आईओसी, है ना, और पता ये तीनों का नाम रहता है, चौथा रहता है ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स। तो ब्रह्मपुत्र किसका है, वो गेल का। तो इसकी इंडियन सब्सिडरी देख के जाना, इंडेन देख के जाना, दो तीन बार इंडेन ही इंडेन पूछ रहा है, लेकिन ये भी देख लो ना, क्या पता पूछ ले, इस बार सोचे कि फॉर अ चेंज चलो लुब्रिकेंट का ब्रांड पूछ लेते, तो क्या है सर्वो। पेट्रोल का क्या है, एक्स्ट्रा प्रीमियम, इसका सर्वो, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, इसका एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक्स्ट्रा बोले तो समझ जाना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अरे इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं, तो प्रोपेल का पेट्रोकेमिकल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज, दिस इज द लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज, दे माई टास्क है ना, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है एज यू ऑल नो, आईओसी को भी तो मिला था ये महारत्ना स्टेटस, 2010 में मिल गया था, इसमें कहीं लिखा नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बाहर से कुछ नहीं देता है। अब आ जाते इंफोसिस, इंफोसिस के तो सबसे ज्यादा ये कि 1981 में 7 इंजीनियर ने कौन सी फर्म स्टार्ट की थी, ठीक है इंफोसिस। दूसरा इसका चेयरमैन पूछते हैं, नंदन नीलकेनी, जिसने आधार कार्ड की डिजाइनिंग की थी, है ना, और तीसरा उसका बैंकिंग सोल्यूशन पूछते हैं, बोलो क्या नाम है, एजवर्फ सिस्टम ने बैंकिंग सोल्यूशन डिजाइन किया था,
जो सॉफ्टवेयर हर बैंक यूज करे, फिनाकल, ठीक है क्या? फिनाकल, ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बाय एचवर्फ सिस्टम्स, ठीक है। तो 7 इंजीनियर्स, उसके अलावा नंदन नीलकेनी और ये वाला ग्लोबल बैंकिंग सॉल्यूशन फिनाकल, ठीक है। देन आईटीसी का जन्म हुआ था 1910, कोलकाता में हुआ था। एंड बेटा देखो, उसमें पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आईटीसी। तो उसमें एक ऑप्शन था 1910 में उसका फाउंडेशन हुआ, दूसरा था कोलकाता में हेडक्वार्टर्स है, तीसरा बोला था विशाल सिक्का और फोर्थ बोला था योगेश चंद्र देवेश्वर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, योगेश चंद्र देवेश्वर इसका चेयरमैन था, लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन। फिर इसकी डेथ होगी तो संजीव पुरी जो MD CEO था उसी को प्रमोट कर दिया गया। तो YC देवेश्वर ने ITC को इस मुकाम पे पहुंचाया था, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ YC देवेश्वर। विशाल सिक्का को तो इन्फोसिस में रखा था लेकिन वो बहुत खर्चा करता था तो नारायण मूर्ति ने उसको भगा दिया था, ठीक है। तो विशाल सिक्का इज एसोसिएटेड विद इन्फोसिस और इससे कौन एसोसिएटेड है? YC देवेश्वर, ठीक है। 1910 में बना है कोलकाता। बेटा और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका स्टेशनरी प्रोडक्ट क्लासमेट, फिर वर्ल्ड की सबसे महंगी चॉकलेट 4.3 लाख पर kg फेबल, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या आता है, ये क्लासमेट का ब्रांड पूछा था, पेपरग्राफ नहीं पूछा था, क्लासमेट था ऑप्शंस में। उसके अलावा ये द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट, उसका नाम नहीं पूछा था कि किसका है, तो ITC का। बाकी ये सिंपल है, इसको ये पढ़ लेना कि इसका क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो यिप्पी है, बिंगो है, विवल है, इसको तो एक रीडिंग मारोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा L&T का तो हेडक्वार्टर्स ही पूछते हैं, मुंबई। लेकिन एक जगह मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, ये टू डानिश इंजीनियर्स हु टुक रेफ्यूज इन इंडिया, तो उन्होंने कौन सी कंपनी का फॉर्मेशन किया था? L&T। यह याद रख लेना, 1938 मुंबई, एंड दिस वॉज फॉर्म बाय टू डानिश इंजीनियर्स जो इंडिया में रेफ्यूज लेने आए थे, ठीक है। नथिंग एल्स आस्क्ड। फिर NTPC का हेडक्वार्टर, सब्सिडरी पूछता है, ये आपको याद है क्या? इट लाइट्स एवरी फोर्थ बल्ब ऑफ द कंट्री, ये हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है। इसको भी महारत्न मिला था 2010, IOC को मिला था, NTPC को मिला था, ONGC को मिला था और एक सेल को मिला था, ठीक है। बेटा 1975 तो याद ही रहेगा आपको, हेडक्वार्टर्स देखना है तो देख लो, न्यू दिल्ली का है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फर्म है। और महारत्ना का स्टेटस भी कहीं लिखा था शायद इसमें ना, मैंने लिखवाया था। और इसका सब्सिडरी, ये सारी सब्सिडरी देख के जाओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी करके क्वेश्चन आता। तो इन्होंने पहले तीन दिए थे, पता है कौन से दिए थे? एक कांति बिजली दिया था, एक भारतीय रेल बिजली दिया था और शायद विद्युत व्यापार दिया था, वो दिया था कलिंगा विद्युत व्यापार। बेटा कलिंगा जो है ना वो तो गेल का जॉइंट वेंचर है, और विद्युत दे दिया था, विद्युत मतलब बिजली, तो कंफ्यूज कर सकते थे। तो आप ये केवल 5 याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। NTPC इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, विद्युत व्यापार, फिर कांति बिजली, रेल बिजली और पत्रातु, ठीक है। देयर आर ओनली 5 सब्सिडरीज ऑफ NTPC, ठीक है, केवल सब्सिडरी पूछा जा रहा। अब ONGC, मेरी स्पीड ठीक है। ONGC में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ONGC, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि उसका बर्थ हुआ 1956, फिर दूसरा बोला था कि इसकी 17 सब्सिडरीज है वर्ल्ड में ONGC विदेश के नाम से, फिर थर्ड बोला था ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, फोर्थ बोला था इसका हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में। कौन सा गलत है? अहमदाबाद नहीं, देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है, कहां पे है? उत्तराखंड में है, अहमदाबाद में नहीं है। 1956 में बना था, ये ट्रूथफुल है। और ये हमारे देश की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी,
और केवल हमारे देश में नहीं, उसके पास में फॉरेन सब्सिडरी है जिसका नाम है ONGC विदेश, और ऐसे उसके पास में 17 कंट्रीज में। ठीक है बेटा, लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ONGC विदेश याद रखना है, 17 कंट्रीज में, 1956 में बर्थ हुआ था, हेडक्वार्टर्स इज इन उत्तराखंड। महारत्ना 2010 ये देख लेना, ONGC, NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तीनों को 2010 में मिला था। ऑल इंडिया का 2011 था, गेल को 2013 में मिला था, गेल का भी मार्क कर लेना महारत्ना। बेटा पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में आए तो दो क्वेश्चन है, मैंने हेडक्वार्टर्स में भी मार्क कर दिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुरुग्राम, मतलब गुड़गांव। ठीक है, इसका चेयरमैन पूछते हैं, केवल एक ही फर्म का चेयरमैन पूछते हैं, ये एकांत कांडी कप्पा, कप्पा नूडल्स से अपने याद किया था। ठीक है, कटप्पा, ठीक है चलो। तो क्या श्रीकांत कांडी कप्पा, ये याद रह जाएगा है ना, अजीबोगरीब नाम। बेटा दूसरा इसका सब्सिडरी पूछेगा, इसके एक सिंगल सब्सिडरी है पोसोको, अरे कलिंगा इसमें था, सॉरी इसका जॉइंट वेंचर था। ठीक है, अब इसका सब्सिडरी क्या है बेटा, पोसोको, गेल का था 11 और इसका था 13, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो चेयरमैन में कांडी कप्पा और ये पोसोको। ठीक है, फिर रिलायंस इनकॉरपोरेशन, यो बीच में अमेंडमेंट भेजा था जिसमें 1973 लिखा था, लेकिन एग्जाम में आया अमेंडमेंट के बावजूद 1966। अपने मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन है कि उसका कब इनकॉर्पोरेशन हुआ, 1966। बेटा रिलायंस का एक ब्रांड था विमल, वो क्वेश्चन आया था कि कब हुआ था, 1975, मतलब 1975 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NTPC, माइक्रोसॉफ्ट, कोल इंडिया लिमिटेड और विमल का ब्रांड। बेटा फिर दूसरा पूछा था इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी कौन सी है, रिलायंस, देखो इट्स एन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी 1966, विमल का ब्रांड 1975। अच्छा फिर ना इसमें पूछा जा सकता है, देखो इसका फिलॉसफी पूछा जा सकता है क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो टू टच द लाइव्स ऑफ पीपल इन अ पॉजिटिव वे पूछ सकते हैं, और ग्रोथ 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 जब जब बोले तो रिलायंस है। ग्रोथ इज एनर्जी, ग्रोथ इज वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस, ग्रोथ इज लाइफ। इसका हेडक्वार्टर्स पूछेगा तो किसको नहीं पता, और उसकी फैमिली के पास में मेजॉरिटी कितना था, 52%। ओके, और हाँ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, बिना पढ़े भी हम मार्क कर सकते हैं। इन दोनों को देख के जाना, देन वॉट SBI में भी बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका पुराना नाम भी पूछते हैं एम्पीरियल। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1806। आपको उसकी हिस्ट्री याद है, बैंक ऑफ पहले कैलकटा था, फिर बैंक ऑफ बंगाल बना, फिर कौन से दो बैंक के साथ में मर्ज किया था, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, 1921 में मर्जिंग हुई, फिर इंपीरियल बैंक बना, फिर SBI एक्ट कब आया, 55, फिर RBI ने एक हिस्सा ले लिया था, कितना परसेंट होल्डिंग, 60% होल्डिंग, फिर वो 2008 में वापस लिया था गवर्नमेंट ने, 2008 में वापस ले लिया था ना, तो ये आ भी सकता है। देखो तेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना 1955, फिर RBI ने ले लिया उसका 60% स्टेक, लेकिन 2008 में गवर्नमेंट टुक इट बैक। बेटा अब जो क्वेश्चन आया था ना उसमें से दो तीन पॉइंट्स तो आपके सिलेबस से हटा दिए, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ।
क्योंकि मॉड्यूल में अभी भी वैसी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो पॉइंट्स हट गए सिलेबस से वो भी। तो ना आपको मालूम है कि पहले बहुत सारे एसबीआई की सब्सिडरी होती थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ही था पहले, तो लास्ट लास्ट में केवल 5 सब्सिडरी बची थी। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बचा था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, ऐसे 5 सब्सिडरीज बची थी। और फिर एक बैंक बना था फॉर विमेन, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, भारतीय महिला बैंक। उन्होंने कुछ साल चलाया, कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बंद कर दिया। तो भारतीय महिला बैंक और लास्ट की जो 5 सब्सिडरी थी उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया था 2017 में। तो वो जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये सब करेक्ट था उसका। 14 सब्सिडरीज थी उस समय, 5 एसोसिएट बैंक्स थे, भारतीय महिला बैंक था, उसको 2017 में मर्ज कर दिया था। बेटा एसबीआई नेशनलाइज बैंक है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है? उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो याद रखना, उसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। नेशनलाइजेशन उसका ना करेंगे जो पहले कभी प्राइवेट था, वो तो शुरुआत से ही सरकारी था, तो प्राइवेटाइजेशन, उसका नेशनलाइजेशन करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो याद रखोगे इट्स नॉट अ नेशनलाइज बैंक। तो वही वाला गलत था, ये आपने कॉपी कर लिया। उस समय उसकी 14 सब्सिडरी थी, 5 एसोसिएट बैंक्स को, भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मर्ज कर दिया था। कब कर दिया था? 1 अप्रैल 2017 में। ये ऑप्शन में था, हैव यू नोटेड डाउन बेटा? आगे बढ़ू, मुझे ये दिखाना है। देखो यहां पे कहीं मिलेगा, ये देखो, एसबीआई इज नॉट अ लिमिटेड कंपनी, एसबीआई इज नॉट अ लिमिटेड कंपनी। पहले तो एसबीआई एक्ट 1955 था, शायद मॉडिफाई करके 59 कर दिया। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उसलिए एसबीआई के आगे कभी लिमिटेड नहीं लगाते। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आया था, ये माई कस्टमर फर्स्ट, उसका विजन क्या था? माय कस्टमर फर्स्ट। ठीक है, देखा बेटा। अब अगला क्वेश्चन, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का ऑप्शंस में आया था, एक क्वेश्चन में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जबकि इतनी बड़ी फर्म है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, बस वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट में था। तो टाटा वाला करेक्ट था, उसका इनकॉर्पोरेशन ईयर 1868 है। क्या बना था? 1868 में बना था। 100 से ज्यादा कंपनियां इसके पास में। टाटा सन्स इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, जो टाटा सन्स का हेड होता है वही टाटा ग्रुप का हेड होता है। ठीक है, ऐसे आया तो नहीं, चाहो तो इसका मिशन देख के चले जाओ, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या देखेंगे? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ करके, वैल्यूज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है, वैल्यूज ड्रिवन। और हाँ, ये भी देख लो, इसका चेयरमैन एंड एमडी नटराजन चंद्रशेखरन, अभी इकोनॉमिक टाइम्स होल्ड कर रहा है बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स, उसमें जज बन के आए हैं नटराजन चंद्रशेखरन। तो ये देख लेंगे हम, चेन्नई में एक तूफान आया हुआ है, मालूम है ना, सड़कों पे मगरमच्छ घूम रहे, इतना फ्लड्स आ गया, ऑन द रोड्स वो चल रहे मगरमच्छ। ओके, अब विप्रो। विप्रो में पूछा जाता है, बताओ ये क्या चीज की कंपनी है? तो ये आईटी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? आईटी। और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है इसका फाउंडर का नाम बता दो। फाउंडर कौन है? मोहम्मद प्रेमजी, उसके पिता अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद प्रेमजी। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था अमलनेर, मुझे याद आ रहा है, 29th of December 1945। ठीक है, तब उसका फॉर्मेशन किया था मोहम्मद प्रेमजी, फाउंडेशन में मिलेगा। देखो, इनकॉर्पोरेटेड बाय मोहम्मद प्रेमजी, 29 दिसंबर 1945 अमलनेर। उस समय विप्रो बना था, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल। फिर बेटा आईटी सेक्टर में कब आया? 1918। इसके ब्रांड्स देख लो, किसान, सनफ्लावर, कैमल,
ठीक है। इसके अलावा सीएफएल बनाता है, मतलब साबुन बनाता है, एक चंद्रिका, एक बेबी सॉफ्ट संतूर ना, संतूर, ये सब किसका है? इसका। देखो ये इनोवेशन के बारे में बात करता है, टू इनोवेट एंड डिलीवर। बच्चों इंडियन कंपनी की रैंक्स नहीं पूछी जाती है, इंडियन कंपनीज की रैंक नहीं पूछी जाती, टाइम वेस्ट मत करना। अमेज़न, ठीक है, क्वेश्चन लिमिटेड आए हैं, लेकिन कभी फाउंडर पूछ लेगा तो बता दोगे ना। जेफ बेजोस कब बना? 1994। उसका हेडक्वार्टर्स देखो कहां पे है, सिएटल वॉशिंगटन। कहां पे बेटा? सिएटल वॉशिंगटन। तो वो सिएटल क्यों गया था? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट था वहां पे, तो उसको लगा मुझे टेक्निकल हेल्प मिल जाएगा, है ना, इसलिए आया था यहाँ पे। तो ये 1994 में सबसे पहले इसने क्या बेचना स्टार्ट किया था? बुक्स बेचना स्टार्ट किया था, राइट। अब अमेज़न के बारे में क्या पूछा था? ये देखो, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, इसके बारे में तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। देखो मैं हाईलाइट करवाती हूँ। एक बोलता है वन ऑफ द बिग फोर कंपनीज इन यूएस, गूगल, एप्पल, फेसबुक, और फोर्थ कौन सी है ये, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलता है, देखो, लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू इन द वर्ल्ड, आया नहीं है, आया केवल यही है वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, लेकिन ये क्यों नहीं आ सकता? लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू, लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस, एंड वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, और यूनाइटेड स्टेट्स का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर, क्योंकि फर्स्ट कौन है? वॉलमार्ट। फॉर्च्यून 500 में नंबर वन किसकी पोजीशन है, और सेकेंड पे आती है अमेज़न, अमेज़न की पोजीशन आती है सेकेंड पे, ठीक है। तो ये सब देख के जाओगे, लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू, लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अब ये आया था, इंडिया कब आया? अच्छा, कौन सी कंपनी इंडिया कब आई है ये जरूर देख लेना। माइक्रोसॉफ्ट का आया था, माइक्रोसॉफ्ट कब आया? 1990 में आया, और ये आया था 2012-13। याद है क्या आईबीएम कब आया? 1992, टाटा ग्रुप के साथ में टाइप करके आया था, वेरी गुड, 2012-13। हाँ, अच्छा, इंडियन नाम भी अगर याद कर लो तो अच्छा है। सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल, राघव राव, हैदराबाद में है ये। अब बच्चे इसका विजन आया नहीं है, एक्सपेक्टेड है। अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, क्योंकि बहुत छोटा सा है, अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, ठीक है। तो 2012-13 में इट केम डाउन टू इंडिया, हैदराबाद, अमित अग्रवाल, राघव राव। अब बच्चों देखो ये एक्सपेक्टेड है, रैंक क्या आया? सेकेंड फॉर्च्यून 500 में, लेकिन ना 2023 की रैंक चार्ट्स में है, उसको एक बार अपन टैली कर लेंगे। फिर फोर्ब्स की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में सिक्स्थ बोला है, बेस्ट एम्प्लॉयर में तो पीछे है, 14th है। ये 2022 की रैंक्स है, अमेंडमेंट 2023 के आए हैं, वी नीड टू क्रॉस चेक, अभी अपन साथ में देख लेंगे। लेकिन फॉर्च्यून 500 का सेम है, फर्स्ट पे है वॉलमार्ट, सेकेंड पे ये, थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट है। फॉर्च्यून 500 में फर्स्ट पे वॉलमार्ट, सेकेंड पे अमेज़न, थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में सिक्स्थ है। बेटा अमेरिकन एक्सप्रेस उसमें यही आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, तो कौन सा है? अमेरिकन एक्सप्रेस। अब मैंने बोला था ना आईसीआईसीआई इसका विजन मिलता है, देखो आपको दिखाती हूँ विजन, लीडिंग प्रोवाइडर वो भी बोलता था, ये भी बोलता है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड बोलता है और वो इन इंडिया बोलता है, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा इसमें से, एप्पल इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हु इज द फाउंडर? तीन लोग थे ना, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक एंड रोनाल्ड रेयन। इसमें क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कौन सा फाउंडर नहीं है, तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक और रोनाल्ड रेयन। फिर दूसरा पूछा जाता है एप्पल कंपनी का पुराना नाम क्या था? एप्पल इनकॉर्पोरेशन। ये देखो कंप्यूटर आईएनसी था शायद,
हाँ कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन, उसका ओल्ड नाम क्या था, एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन। ऐसे तो एप्पल बन गया था 1976, लेकिन वो इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1977। तो इसमें 1977 ही याद रखना है, और उसका हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया। अच्छा एक और क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एप्पल करके, नहीं पूछा था 2014 में एप्पल में क्या हुआ था। तो ये मैंने लिख दिया, ये आपके सिलेबस से हटा दिया लेकिन मॉड्यूल में है। उसने एक्वायर किया था एक कंपनी को, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स उसका नाम था, इसको जॉट डाउन कर लो, एप्पल कंपनी एक्वायर्ड बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2014। ठीक है, तो 1977 कैलिफोर्निया। बेटा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर कौन है, तो इसमें आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, उसमें एप्पल को फर्स्ट लार्जेस्ट बोल देते हैं, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, फिर ये प्रोडक्ट सेगमेंट्स पूछा था, इसमें से कौन सा एप्पल का प्रोडक्ट सेगमेंट है, एक डाला था मैक, एक डाला था आईपैड, तीसरा था आईफोन, फोर्थ क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या था, इसमें से कौन सा इसका प्रोडक्ट सेगमेंट है, तो मैक था, आईपैड था, आईफोन था, तो हम बोलेंगे ऑल। ये आपको याद है, इसने एक शाजाम ऐप खरीदा था, अगर वो ऐप को चालू करोगे तो कोई भी गाना बजाओगे तो गाने का पूरा इतिहास बता देगा वो। लेकिन बेटा ये सब आ सकता है, अरे सॉरी फॉर्च्यून 500 में इसको थर्ड लिखा हुआ है, अभी अपन चेक करते हैं ना, और इसको देख ले क्या, मैं आपको लेटेस्ट वाला बीसी के चार्ट में ले जाती हूँ। पता बेस्ट एम्प्लॉयर तो उड़ा ही दिया उन्होंने जब भी लेटेस्ट वाले चार्ट्स आए। ठीक है, तो फॉर्च्यून 500 में फर्स्ट कौन है, तो वॉलमार्ट है। ठीक है, इसको एक लिस्ट बना लो, आपको केवल तीन याद करने। तो ये आप क्या बना रहे हो, फॉर्च्यून 500 कंपनी, हेडिंग लिखो फॉर्च्यून 500 कंपनीज। तो फर्स्ट में वॉलमार्ट है, सेकंड पे अमेज़न है, और थर्ड पे एप्पल है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। तो फर्स्ट पे वॉलमार्ट 2023 रैंक्स, अब चूंकि उन्होंने अमेंडमेंट दे दिया तो 2022 दे वुडंट आस्क, 2023 पूछेगा। फर्स्ट पे वॉलमार्ट, सेकंड पे अमेज़न, थर्ड पे एप्पल, ये किसका बेटा, फॉर्च्यून 500। अब आते हैं फोर्ब्स का, मैंने बोला ना बेस्ट एम्प्लॉयर पूरा उड़ा दिया उसने, तो फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, किसी का भी अच्छा रैंक नहीं, बस नाइन्थ रैंक है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का नाइन्थ रैंक है, बाकी सबकी देखो कैसी पुअर रैंक्स है। और एक टेंथ रैंक किसका है, एप्पल का, नाइन्थ पे माइक्रोसॉफ्ट, टेंथ पे एप्पल, पुरानी रैंक गई। हाँ पहले 6-7 था ना बेटा, लिखा क्या, नाइन्थ पे माइक्रोसॉफ्ट, टेंथ पे एप्पल, दिस इज द 2023 रैंक, ओके फोर्ब्स का। अमेज़न का 36th रैंक नहीं पूछेगा फिर तो ये, आप लोग सबने नोट डाउन कर लिया, मतलब फॉर्च्यून 500 की पूछने की संभावना है इसके अंदर। गोल्डमैन सैक्स, विच इज द नेक्स्ट वन बेटा, गोल्डमैन सैक्स का ईयर 1969, एंड हु वाज द फाउंडर, मार्कस गोल्डमैन, क्या नाम है, मार्कस गोल्डमैन। बेटा पूछा जाता है गोल्डमैन सैक्स क्या चीज की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी है फाइनेंशियल फर्म है, लीडिंग है, लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑप्शंस पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग था। अब इसका हेडक्वार्टर्स देख लो न्यूयॉर्क में है, एंड दिस वॉज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी बाय मार्कस गोल्डमैन इन 1868 में टाटा ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, 1869 में इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक एक साल बाद। ठीक है बच्चे,
सबके फाउंडर्स देखने, रैंक बहुत पीछे, एचपी, एचपी में देख लो 1939 कैलिफोर्निया, 1938 में किसका फॉर्मेशन हुआ था, 1938 एलएनटी और 1939 एचपी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाली हूँ, पहले सबको पढ़ लेते। तो द सेल इज एन अमेरिकन आईटी कंपनी, ह्यूलेट एंड पैकार्ड थे, गैराज में स्टार्ट किया था, सिक्का उछाला था, ह्यूलेट का पहले नाम आया था। इसका कोर वैल्यूज नहीं, इंटेल का कोर वैल्यूज आता, रैंक वगैरह सब पीछे पीछे, लॉट ऑफ मस्ट यूज आईबीएम। तो आईबीएम 1911 में बना, इसी ने माइक्रोसॉफ्ट को ब्रेक दिया था। बाकी क्वेश्चन क्या आता है इसका, ये एनालिटिक्स क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसका पार्ट है, कौन सी फर्म का है, एनालिटिक्स क्लाउड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है बेटा। इसके अलावा 2022 का एम्प्लॉयज का तो हटा दिया, लेकिन पूछा जा सकता था। देखो ये थर्ड था वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर में, फर्स्ट में सैमसंग था, सेकेंड पे शायद माइक्रोसॉफ्ट था और थर्ड पे आईबीएम, थर्ड ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2022। इसको सबसे ज्यादा पेटेंट मिला है, ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट इसी को मिला है, 9,262 यूएस पेटेंट्स, ओके। अब आता है इंटेल, इंटेल इज वंस अगेन कैलिफोर्निया, ठीक है। इंटेल का हेडक्वार्टर्स पूछा है, पूछा था इसमें से किसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, तो इंटेल का कैलिफोर्निया में, बाकी सब गलत थे। आपको याद है ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है, दो दोस्त थे रॉबर्ट नॉयस और गॉर्डन मूर, उनका बहुत मजाक उड़ाया था, तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी, तो पहले एनएम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया था, फिर नाम चेंज करके इंटेल कर लिया था। इसका कोर वैल्यूज पूछा जाता है, हमने इसका एक्रोनिम बनाया था ऐसे, हाँ रोको क्वालिटी ड्रॉइंग है ना, क्वालिटी ड्रॉइंग, ड्रॉइंग को अपन ने कैसे लिखा था पूरा, तो रोको में आरओ क्या था, रिजल्ट ओरिएंटेशन, सीओ वाज कस्टमर ओरिएंटेशन, क्वालिटी मतलब क्वालिटी था, डी का मतलब डिसिप्लिन, आर का मतलब रिस्क टेकिंग एंड ग्रेट प्लेस टू वर्क। इसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर वैल्यू ऑफ इंटेल, पूरा पूरा नहीं लिखता है, दो तीन का कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद करनी है, रोको क्वालिटी ड्राइंग। अच्छा मॉड्यूल में इसका रैंक पूछा है, हालांकि इसका रैंक कितना पीछे है, देखो 46th रैंक है, फिर भी पूछा है, इसका रैंक है 46th रैंक, 46th है अमंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज, अभी चेंज हो गया क्या 40, अभी जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या हो गया 40th रैंक आ गया। माइक्रोसॉफ्ट इंपॉर्टेंट है, सत्या नडेला बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आउट ऑफ कोर्स आया था कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट में क्या हुआ था, हाँ तो ये दो आया था, फर्स्ट ऑप्शन था सत्या नडेला बस, सत्या नडेला सक्सीडेड स्टीव बॉलमर, सत्या नडेला के पहले कौन सा था, स्टीव बॉलमर, और सेकेंड था माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड हार्डवेयर डिवीजन ऑफ नोकिया, और इसमें सी ऑप्शन था बोथ ए एंड बी, तो ये बोथ ए एंड बी है। तो ये देख लो सत्या नडेला के पहले स्टीव बॉलमर थे और सत्या नडेला ने उसको रिप्लेस किया था 2014, दूसरा पूरा नोकिया का उसने हार्डवेयर डिविजन खरीद लिया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स कहां पे है, वॉशिंगटन, जहां पे अमेज़न का है, दोनों का सेम टू सेम है। फिर पूछा जाता है इंडिया कब आया, 1990, और इसका विजन पूछा जाता है, ओके लिख लिया बेटा लिख लिया, पहले थे स्टीव बॉलमर, ही वाज सक्सीडेड बाय सत्या नडेला,
जहां जहां इंडियन हेड्स है उसको देख लेना। अरे आईबीएम में भी कोई इंडियन हेड थे ना, अरविंद कृष्णा, सही बोल रही हूँ क्या? वो देख लेना, अरविंद कृष्णा। इंडियन हेड्स पूछते हैं इंडिया में कब आया ये पूछते हैं। जॉटेड डाउन, हटाओ। तो इंडिया आया 1990 में, इसका फाउंडर्स तो देख ही लोगे, पॉल एलन, बिल गेट्स एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पॉल एलन उससे 2 साल सीनियर था। ठीक है बच्चों, ये पूछा जाता है विजन, टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस रियलाइज द फुल पोटेंशियल, दिस हैड कम डाउन। ऐसे तो मिशन भी छोटा आ सकता है, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर, दिस माइट कम डाउन। मैंने जो मार्क करवाया उसके अलावा जिसका छोटा साइज देखे उसको याद कर लेना, विजन मिशन आ रहा है क्योंकि। नोटेड डाउन बेटा, बढ़ाओ आगे। माइक्रोसॉफ्ट का रैंक अभी तो नहीं है ना, अभी तो क्या था, 9th था, क्या हो गया, 9th हो गया। ओके फिर बच्चों देखो, नेस्ले इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाएगा, तो वेवे स्विट्जरलैंड, केवल स्विट्जरलैंड मत पढ़ के जाना, क्वेश्चन आया था चारों में स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था, बस शहर का नाम चेंज करे थे, दिस इज वेवे स्विट्जरलैंड। और बेटा ये तो मालूम है, दिस इज द लार्जेस्ट फूड एंड ड्रिंक कंपनी, स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी। इसका स्लोगन बोलो, बस ये उनकी दुखती रग है, ये 5-6 बार आ गया। फाउंडर का नाम दिक्कत नहीं आएगी आपको, हेनरी नेस्ले। इंडिया आया था 1923, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया आया था 1921, ठीक है, नेस्ले आया 1923, हेनरी नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ और वेवे स्विट्जरलैंड। इसके अलावा बेटा इसका बीवरेज पार्टनर कौन है, कोका कोला। बीवरेज पार्टनर मॉड्यूल पे पूछा गया तो कोका कोला। और बेटा सीरियल पार्टनर बताओ, सीरियल पार्टनर जनरल मिल्स, सीरियल पार्टनर पूछा नहीं है, जनरल मिल्स। बीवरेज पार्टनर मॉड्यूल में है कोका कोला, एंड एक्वापन्ना इसका प्रोडक्ट है, डिस्टिल वाटर ब्रांड है। एक्वापन्ना पूछा था कि कौन सी फर्म को बिलोंग करता है, तो एक्वापन्ना हैज कम डाउन। हटाओ, इसका रैंक वैंक नहीं आता, जो अमेरिकन कंपनी नहीं रहती ना उसको तो पीछे धकेल देता है, कोर्स भी और फॉर्च्यून भी। बीवरेज पार्टनर कोका कोला, ये वाले देख लेना किसके साथ में जॉइंट वेंचर्स है, राइट। वॉलमार्ट, वॉलमार्ट इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या है, इट्स कंपल्सरीली देयर इन द पेपर। तो एक तो उसका स्लोगन सेव मनी लिव बेटर, इसका फाउंडर सैम वॉल्टन और इसका हेडक्वार्टर्स अर्कनसास यूएस, ठीक है, अर्कनसास यूएस। और ये भी पूछा था कि वो कौन सी प्रकार की कंपनी, क्या चीज की कंपनी, दैट इज अ रिटेल कंपनी, रिटेलिंग कॉरपोरेशन। और फॉर्च्यून 500 में साल चेंज होता है, रैंक कभी चेंज नहीं होता, तो फर्स्ट किसका है, इसी का, ठीक है। सेकेंड पे कौन है फॉर्च्यून 500 में, अमेज़न। और थर्ड पे गुड, फाउंडेड बाय सैम वॉल्टन। इसका मिशन भी आ चुका, सेविंग पीपल्स मनी सो दैट दे कैन लिव बेटर, और स्लोगन सेव मनी लिव बेटर। फर्स्ट ये भी आ सकता है, फ्लिपकार्ट का कितना शेयर्स खरीदा, और इंडिया में कौन से नाम से चलता है, सबसे पहले कहां से एंट्री मारी, अमृतसर। कौन से ईयर में आया था, 2009 में आया था अमृतसर में, देखते हैं कहां लिखा हुआ है, ये रहा अमृतसर 2009 में आया था। समीर अग्रवाल इज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ, ठीक है।
तो मैं बोल रही थी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। हमने जो फॉरेन कंपनीज पढ़ी उसमें फर्स्ट कौन सी पढ़ी बेटा? अमेज़न। उसका हेडक्वार्टर्स कहां पे? सिएटल वॉशिंगटन। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस आया, उसका कहां पे? देखो व्हाट वुड यू सी, ये देखो ऑल्टरनेट चल रहा है, ऑल्टरनेट इसको देखो बेटा। सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, अमेज़न इज इन सिएटल, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस। सीक्वेंस तो याद कर लोगे बिकॉज वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, याद क्या करना। अमेरिकन एक्सप्रेस न्यूयॉर्क है, उसके बाद वाली फर्म कैलिफोर्निया, फिर गोल्डमैन सैक्स है एप्पल के बाद तो न्यूयॉर्क है, फिर जस्ट बाद एचपी है तो कैलिफोर्निया है, फिर आईबीएम न्यूयॉर्क है और इंटेल कैलिफोर्निया। फिर अलग हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कहां पे है तो सिएटल है, नेस्ले कहां पे है बेवे स्विट्जरलैंड, और वॉलमार्ट है अरकनसास यूएस। बाकी दिस इज यू नो समथिंग यू शुड नो, ऑल्टरनेट चलता है, कोई जरूरत नहीं याद करने की, बस कंपनीज का सीक्वेंस मालूम हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो नो कि क्या न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया, ठीक है ये चल रहा। तो चैप्टर नंबर 3 में से आपको ये सब तो पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। मेरे ख्याल में से इसमें से नैया पार हो जाने चाहिए।